आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा इफको नैनो उर्वरक और ड्रोन प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय कृषि में एक नई क्रांति विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। संगोष्ठी में आए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने बताया कि आधुनिक विधि से खेती कर किसान अपनी आय दोगुना कर सकते हैं। इस मौके पर इफको के विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से कृषि क्षेत्र में अपनाई गई आधुनिक तकनीकी नैनो यूरिया नई क्रांति लाएगी। इससे न सिर्फ किसानों की लागत बचेगी बल्कि उनका फायदा भी अधिक होगा। संगोष्ठी में अत्यधिक रसायनों के उपयोग से मृदा में होने वाले नुकसान को कैसे बचाया जाए और इसमें ड्रोन और नैनो यूरिया किस तरह से परिवर्तन लाएगी, इस पर प्रकाश डाला गया है। कार्यक्रम का जिसमें छात्रों से, वैज्ञानिकों से और इफको के अधिकारियों से और साथ में वाइस चांसलर साहब खुद प्रोफेसर हरबिल मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में चर्चा हुई। विषय था नैनो यूरिया तरल के ऊपर विचार गोष्ठी। इस विचार गोष्ठी में सक्रियता से सभी ने भाग लिया, तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान किया गया और तमाम समस्याएं कृषि की हैं जिनकी चर्चा करके उनका समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया। नैनो यूरिया के इस्तेमाल से एक तो फर्टिलाइजर का जो हैंडलिंग है वो बहुत इकोनॉमिक हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक है और इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो बहुत अच्छा है। मतलब इसका एब्जॉर्प्शन है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत स्पीडी है। तो नैनो यूरिया ऑटो फायदेमंद है कंपेयर टू द जनरल यूरिया के, बहुत फर्क पड़ेगा इससे। और इसी को प्रमोट करने के लिए इफको ने ये ऑर्गेनाइज किया है जिसमें यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रही है।